हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैकनेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे और टोटल लेंथ लेंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर टोटल लेंथ लूँगी। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और आप डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने हिसाब से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच। डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें 36 साइज़ में शोल्डर रखने हैं 5.5 इंच। यहाँ से भी 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच। इस तरीके से हमने आर्म होल की लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर। अब नीचे से हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, तो 36 का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच का लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन। मार्जिन आप अपने हिसाब से 2 इंच भी रख सकते हैं। 1/2 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ करते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे। बाहर वाली लाइन से हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। कमर 30 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा यहाँ पर 7.5 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कम्प्लीट हो गई है। 1.25 इंच की हम आर्म होल की गोलाई यहाँ पर दे देंगे इस तरीके से। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद हम गले का मेज़रमेंट लेंगे। मैन फैब्रिक पर भी मैंने इसे कट कर लिया है। गले के लिए नेक की विड्थ रखनी है हमें यहाँ पर 2.5 इंच 2.5 इंच। गले की टोटल लेंथ में रख रही हूँ 10 इंच और यहाँ से नेक विड्थ लेंगे हम 3 इंच। तो इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर एक बॉक्स बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर गले का शेप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें गले का शेप यहाँ पर बना लेना है। गले का शेप ड्रॉ करने के बाद हम कर लेंगे इसकी कटिंग। नेक को देखिए, हमने यहाँ पर कट कर लिया है और अब हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग को हम रखेंगे डबल फोल्ड करके और यहाँ पर गले का जो पैटर्न है वो हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखना है नेक को और एज इट इज़ यहाँ पर हम इसे ड्रॉ करेंगे। अच्छे से बराबर करते हुए इसे रखेंगे। मार्किंग हमने कर ली है। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करेंगे और इसकी करेंगे कटिंग। साइड से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है इसे और अब हमने नेक को कटिंग कर लेना है। बाहर की तरफ से हमने नेक को कट करना है। तो देखिए, अब हमने एक और पेपर पेस्टिंग यहाँ पर लिया है जिससे हमें बाहर वाली जो डिज़ाइन हम बनाएंगे कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक पर वो पैटर्न ड्रॉ करना है। तो देखिए, यहाँ पर आर्म होल तरफ से आपको इस तरीके से इसे रख लेना है, पिन लगानी है और यहाँ पर देखिए एज इट इज़ हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से पिन लगाने के बाद आप यहाँ पर पहले गले का जो पास से हमारा ऊपर का जो शोल्डर है उसे आपको मार्क कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर है 3.25 इंच, तो आर्म होल के नीचे से भी आपको 3.25 इंच ले लेना है और इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो गले के यहाँ से देखिए, हम इसे एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे। पूरा आर्म होल हमारा पेपर पेस्टिंग से कवर हो जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से नीचे से भी शेप को हम बनाते हुए, ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें ये शेप दे देना है और कर लेनी है इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को कट कर लेंगे और ये पैटर्न हम लेंगे कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक में। आपके साड़ी और ब्लाउज में जो भी कलर होता है उसके हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने रेड के साथ यहाँ पर ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन दिया है। एक एरो का निशान मैंने बना लिया है ताकि हमें पता रहे कि वाला पार्ट हमारा ऊपर की तरफ आएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को चिपका लिया है नेक पर प्रेस से। इसे मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दिया है। तो ये वाले जो पार्ट है वो हम अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। और पेपर पेस्टिंग के साथ साथ इसकी कटिंग हमने कर लेनी है। ये देखिए, दोनों पार्ट को हमने इस तरीके से रख लेना है। अब हम करेंगे गले की स्टिचिंग।
तो देखिए, सबसे पहले हम गले को एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। गले के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक का, और पूरे ही नेक पर लगा लेंगे हम छोटे छोटे कट। तो देखिए, इस तरीके से नेक को कट लगाने के बाद एक सिलाई हमने अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले फैब्रिक पर लगानी है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है और अब हम साइड से भी सिलाई लगा लेंगे इस पर। ये देखिए, इस तरीके से साइड से सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसे हमने कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हम इसे डबल फोल्ड करके सेंटर से कट करेंगे और यहाँ पर प्लेट्स लगाएंगे। दोनों ही तरफ देखिए, हमें प्लेट्स लगा लेनी है। इसके बाद हम नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। एक सिलाई हम कमर पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इस तरीके से ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो ये बैक पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। डिज़ाइन तैयार करने के लिए देखिए, हमने जो ऊपर का पैटर्न कट किया हुआ है उस पर हमें कॉन्ट्रास्ट में पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पर पाइपिंग के लिए कॉन्ट्रास्ट में मैंने लिया है ये गोल्डन फैब्रिक, और इसे हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से रखते हुए। और ये पट्टी आपको उरेप में कट करनी है, तिरछी पट्टी आपको कट करनी है। सीधी पट्टी जो है वो फिनिशिंग बिल्कुल नहीं देगी। अब इस पट्टी को देखिए, आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसकी पाइपिंग निकालते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। जितना मोटा पतला पाइपिंग आपको रखना है उतना बाहर की तरफ रखते हुए बाकी सारे फैब्रिक को आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लें इस तरीके से। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पैटर्न पर भी पाइपिंग लगाकर कंप्लीट करेंगे इसे। दोनों पैटर्न रेडी होने के बाद अब देखिए, एक पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट आपको लेना है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें इस तरीके से अपने बैक पार्ट को रखना है और गले के यहाँ से आपको मार्क कर लेना है। अब हम साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बाहर की तरफ आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। नीचे तक गोलाई में इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है और करेंगे अब हम इसकी कटिंग। तो इस तरीके से आप इसे कट कर लें। इसे भी आपको अलग से जो कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक है उसी के ऊपर इसे पेस्ट करना है। कपड़े के ऊपर आप इसे चिपका लीजिएगा और इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है आपको। साइड से भी, नीचे से भी हम इसे कट कर लेंगे। ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। इस पर भी हम गोल्डन कलर की पाइपिंग अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमें गोल्डन वाली पाइपिंग, गोल्डन फैब्रिक की पाइपिंग नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ अटैच करनी है। तो जैसे हम नीचे कर रहे हैं उसी तरीके से ऊपर की तरफ भी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी हम पाइपिंग अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ से हमने कर लिया है। स्क्वायर में कपड़ा कट करना है डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ये जो कपड़े मैंने कट किए हैं इनकी लंबाई चौड़ाई लगभग है 3.5 इंच की। आप 3 इंच के भी ले सकते हैं और इन्हें आपको ट्राइंगल में फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से
और सिलाई के पास तक आपको एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना होगा। अभी देखिए दो अलग अलग कलर की यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे और इनके सेंटर में सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगानी है। फिर कहीं से भी एक तरफ से आप इन्हें फोल्ड कर लीजिए। तो मैंने इस तरफ इसे फोल्ड कर दिया है और ये हमारा दो कलर का एक सुंदर सा ट्रायंगल बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है, फिर इसे इस तरफ से आप फोल्ड कर लीजिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। तो बाकी सारे पैटर्न भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। यहाँ पर सारे ही पैटर्न मैंने तैयार कर लिए हैं, अब इन्हें नीचे की तरफ हम लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। इस डिज़ाइन के ऊपर हम यहाँ पर इसे लगाएंगे। तो ये देखिए पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो नेक के ऊपर अच्छे से पहले इस पैटर्न को आपको रख लेना है बराबर करते हुए, फिर उसके बाद इस पर पिन को पिन से अटैच कर देना है इसे सिलाई लगाने से पहले। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। अब देखिए नेक के ऊपर हम इस तरीके से इसे अटैच करते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है और अब इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो इसके ऊपर का जो पैटर्न हमने तैयार करके रखा है वो हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो गले के यहाँ से बिल्कुल बराबर से रखते हुए इन्हें हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। अब इसके साइड से बाहर की तरफ से सिलाई लगा देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे और दूसरा वाला पैटर्न भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे रेडी कर दिया है और ब्लाउज़ डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।